हेलो स्टूडेंट्स, यह क्लास अपने डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट यानी पोजिशनिंग। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्कल की लेटरल व्यू। स्कल के लेटरल व्यू टू टाइप से होते हैं। फर्स्ट था अपना जो नॉर्मल लेटरल व्यू होता है वो, और सेकंड लेटरल व्यू था ट्रोमा केसेस लेटरल व्यू। अब अपने बात करेंगे इसमें स्कल के नेजल बोन के व्यूज की। नेजल बोन का व्यू करने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या इंडिकेशंस होते हैं तब करते हैं। तो अपने इसमें नॉर्मली क्या हो सकता है, नेजल बोन फेशियल बोन्स में आती है। इसका सबसे पहला व्यू होता है अपना लेटरल व्यू। लेटरल व्यू का इंडिकेशन रहेगा अपना फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कोई भी नेजल बोन में फ्रैक्चर हो गया है या कोई पैथोलॉजी कंडीशन है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं अपने, लेटरल व्यू करते हैं। इसमें अपने कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज 8-10 में एक्सरे हो जाता है, कई बार 10-12 भी यूज में ले लेते हैं। इसके बाद में पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल, पेशेंट क्या है टेबल पे प्रोन होगा। हेड इज रोटेट टू आइदर साइड सो अफेक्टेड साइड कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। अब क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोन लेटाने के बाद हेड को आइदर साइड रोटेट करेंगे, लेफ्ट या राइट साइड में, ताकि जो अपनी अफेक्टेड साइड है वो क्या है कैसेट के टच में हो जाए। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज पैरेलल टू द टेबल, पेशेंट का मिडल सजाइटल क्या होगा टेबल के पैरेलल होगा। इंट्रा ऑर्बिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल, जो इंट्रा ऑर्बिटल लाइन होती है वो टेबल के परपेंडिकुलर रहती है। इंट्रा ऑर्बिटल लाइन कौन सी होती है, जो अपने दोनों ऑर्बिट्स को आपस में मिलाती है, जिसका दूसरा नाम इंट्रा क्यूपिलरी लाइन भी होता है। इसके बाद आती है अपनी पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन कैसे रहेगी। प्लेसिंग द कैसेट केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द फिल्म पैरेलल विद द लाइन ऑफ नेजल सेप्टम, नोज बीइंग इन द सेंटर ऑफ द फिल्म। कैसेट को अब कहाँ रखेंगे अपने, पूरी सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हुए फिल्म है वो कैसेट के क्या हो, जो अपना नोज होता है नेजल सेप्टम, यानी जो नोज का ऊपरी सतह होती है उससे कैसेट पूरी तरह पैरेलल रहनी चाहिए, और जो अपना नोज है वो क्या है सेंटर ऑफ द फिल्म, जो अपनी फिल्म रखते हैं यानी कैसेट रखते हैं उसके मिड पॉइंट में आना चाहिए। अब बात करते हैं अपने सेंटरिंग की। सेंट्रल रे ओवर द रूट ऑफ नोज एट राइट एंगल टू द फिल्म, सेंटरिंग कहाँ पे रहेगी, अपना जो रूट ऑफ नोज होता है उस पे, बिल्कुल रूट ऑफ नोज पे सेंटरिंग करेंगे। कोलिमीटर शुड बी यूज ड्यूरिंग द एक्सपोजर, जब अपने एक्सपोज कर रहे हैं तो अपने क्या करेंगे सेंटरिंग करते टाइम कोलिमीटर का यूज करेंगे, ताकि पूरे स्कल को पूरे फेस को रेडिएशन ना लगे। कोलिमेशन से अपने क्या कर सकते हैं रेडिएशन का साइज और शेप फिक्स कर सकते हैं, तो उसको अपने ओनली नेजल बोन पे फिक्स कर देते हैं। ये देखो इसमें पोजीशन दिखा रखी है, पेशेंट का हेड क्या है इस साइड रोटेट हुआ है, और जो कैसेट लगी है वो कहाँ लगी है, जो अपना नेजल सेप्टम वो कैसेट के मिड पॉइंट में आ रहा है, और जो कैसेट की सेंटरिंग है एक्सरेज की वो देखो रूट ऑफ नोज पे आ रही है, यानी बिल्कुल नोज पे आ रही है। और कोलिमेशन इसने यूज किया है जिससे क्या पूरे स्कल को रेडिएशन नहीं लग रही है, ओनली नोज वाले पार्ट को ही रेडिएशन लग रही है। अब बात करते हैं अपने रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, यानी एक्सपोज करने के बाद जो अपनी फिल्म तैयार होती है उसमें अपने को क्या क्या दिखाई देगा। तो उसमें नेजल बोन इज सीन इन ट्रू लेटरल पोजिशन, नेजल बोन क्या है अपने को ट्रू लेटरल पोजिशन में सीन हो जाएगी, सराउंडिंग बाई
शेडो ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नोज, उसके आसपास में अपने क्या दिखाई देता है, सॉफ्ट टिश्यूज की शेडो दिखाई देती है। उसके बाद करते हैं अपने बात एक्सपोजर की, एक्सपोजर इसके क्या क्या होंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने रखते हैं, 90 to 100 सेंटीमीटर। केवी, केवी इसमें अपना कितना यूज करेंगे, 50 एमएस, नेजल पार्ट बहुत छोटा पार्ट है तो एमएस बहुत कम यूज करते हैं, 10 से 12, और ग्रिड का यूज अपन इसमें नहीं करेंगे। अब देखो इसके बाद में यह आपको एक नेजल व्यू की फिल्म दिखा रखी है जिसमें अपना ये क्या है, नेजल बोन क्लियरली दिखाई दे रही है, और ये जो बाहर की शेडो दिखाई दे रही है क्या है, नेजल बोन के सॉफ्ट टिश्यूज की शेडो है। इसमें अपने ये ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं और इसके आगे ये नेजल बोन अपने को दिखाई दे रही है लेटरल पार्ट में, और बाकी इसके सराउंडिंग क्या दिखाई दे रहा है, शेडो ऑफ द नोज। इसमें अपन ने बात की पूरे व्यू की, जिसमें नोज का व्यू अपन ने सबसे पहले क्या किया है, लेटरल व्यू किया है। तो इसमें लेटरल व्यू का इंडिकेशन क्या था, अपने फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन, कोई भी फ्रैक्चर हो गया या पैथोलॉजी कंडीशन हो गई है। कैसेट साइज था अपना 8, 10 या 10, 12। फिर आप थी अपनी पोजिशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की क्या पोजिशन होनी चाहिए, तो पेशेंट को सबसे पहले प्रोन टेबल पे लेटा देते हैं, फिर हेड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं लेफ्ट या राइट साइड में, ताकि जो अफेक्टेड साइड है वो क्या है, फिल्म के टच में आ जाए। और पेशेंट का मिडल सजाइटल पेन है वो क्या होता है, टेबल के पैरेलल रहता है, और जो इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है, तो पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन वो क्या है, टेबल के परपेंडिकुलर रहती है। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजिशन ऑफ कैसेट की, तो कैसेट की पोजिशन कहां पे लगाई थी अपन ने, कैसेट को लगाएंगे अपने पूरी सावधानी पूर्वक, ताकि जो फिल्म है वो यानी कैसेट है वो अपनी नेजल सेप्टम के पूरे, जो अपनी लाइन होती है नेजल सेप्टम की, उसके पैरेलल रहे, और जो अपना नोज है वो क्या है, सेंटर ऑफ द फिल्म, फिल्म के सेंटर में रहना चाहिए। सेंटरिंग कहाँ की थी अपन ने, सेंटरिंग रे और द रूट ऑफ द नोज, जो अपना नोज का रूट होता है उस पर सेंटरिंग करेंगे, और कोलिमेशन जरूर यूज करेंगे ताकि पूरे फेस को रेडिएशन ना लगे। ये देखो कोलिमेशन यूज कर रखा है ताकि पूरे फेस को रेडिएशन ना लगे, ओनली नेजल बोन को ही रेडिएशन लगे। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने क्या दिखाई देता है, नेजल बोन क्लियरली सीन होती है लेटरल पोजीशन में, और इसका सराउंडिंग क्या होता है, शेड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑज नोज, जो नोज के सॉफ्ट टिश्यू है उसकी शेडो दिखाई देती है। ये देखो इसमें अपने को नेजल बोन क्लियरली सीन हो रही है, और ये सॉफ्ट टिश्यूज की शेडो दिखाई दे रही है।